हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कोरा हर्षल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट टू ऑफ 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखा था बर्बन डायनेस्टी तक, नेपोलियनिक कोड और बर्बन डायनेस्टी। नाउ आज हम देखने वाले उसके आगे का। सो बर्बन डायनेस्टी के बाद जो यूरोपियन सोसाइटी थे वो डिवाइड हो गए मिड 19th सेंचुरी में। सो ये जो थी तीन में डिवाइड हो गए, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या थी, लेस पॉपुलेटेड थी और उनके पास ऑल राइट्स थे और वो लैंडलॉर्ड्स थे। और ये जो पीजेंट्री थी मोर पॉपुलेटेड थी एरिस्टोक्रेसी के ज़्यादा, और नो राइट्स, उनके पास कौन से भी राइट्स नहीं थे और उनके पास लैंड भी नहीं था। और ये जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके पास हाफ, मतलब ये एरिस्टोक्रेसी से हाफ पॉपुलेटेड थी और वो एजुकेटेड थी और सम पुअर और सम रिच थी। इनसे ये मिडिल न्यू मिडिल क्लास से ये नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड हुए। चलो मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो, सो आपको ब्लैक बोर्ड का तो समझ में आया होगा। सो अब वो जो मिडिल क्लास थी, न्यू मिडिल क्लास, उनकी वजह से नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड हुई। न्यू मिडिल क्लास का डिमांड था इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए था और उनको गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट चाहिए था, मतलब गवर्नमेंट अपना चाहिए था, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी चाहिए था। ये सब कॉन्सेंट्स उनको चाहिए थे। नेशनलिज्म के आइडिया मिडिल क्लास से स्प्रेड होने लगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, नो नेशन स्टेट्स इज इन यूरोप बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के पहले कौन सा भी स्टेट नेशनलाइज नहीं था, मतलब ऐसा कौन सा भी प्लेस नहीं था जहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज स्पोक करते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जो जर्मनी और इटली थी 7 किंगडम्स में डिवाइड हुई थी, वो नेशनलाइज नहीं थी। इसलिए सो ये नो नेशन स्टेट्स की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया न्यू मिडिल क्लास से आया। और नेपोलियनिक कोड ये भी एक रीज़न था नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। सो इसके बाद एरिस्टोक्रेसी को पता चला कि वो न्यू मिडिल क्लास थे, वो एक चेंज लाना चाहते थे, किंगडम को बदलना चाहते थे। सो उन्होंने कंजर्वेटिज्म ये टर्म निकाला, जहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स बहुत डोमिनेटिंग है और उन्हें मोनार्ची चाहिए थी